फोटो आप कर दीजिए। जी 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 मैं नहीं पहनना चाहिए, बस मैं थोड़ा ऐसे में आई सरवरी जी मीडिया भाई। जी 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 यस, वो तो हमारे दोस्त थोड़ा सा आगे आ गया जी। यस सो ग्लैमरस शाम है, बहुत ही ग्लैमरस लग रही है। हालांकि आप तो ग्लैमरस है ही, ब्यूटीफुल ग्लैमरस आउटफिट है। तो बताना चाहेंगे कि कितनी एक्साइटेड होती है ग्लैमरस शाम होती है जब जब? मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि आई थिंक आज अवार्ड शो है, तो अवार्ड शोज आई थिंक बड़े मज़ेदार होते हैं एंड और तैयार होने में बड़ा मज़ा आता है। तकरीबन कितना टाइम लेती है सर ये तैयार रेडी होने में? सर तैयार होकर फिर फोटो वोटो खींच के करीब 1-2 घंटे। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है जी, जैसे कि मैंने बताया कि आउटफिट के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। लास्ट टाइम ये लाइन में मैंने देखा था डिफरेंट आउटफिट होता है आपका, यहाँ पे भी डिफरेंट जी, हर प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैमरस अंदाज में सरवरी जी हमें दिखाई देती है जी। कहना चाहेंगे आप? तो आज का थीम ग्लिट्स और ग्लैम है, तो मैंने सोचा कि मैं ग्लिट्स और ग्लैम थोड़ा सा शिमर सीक्वेंस पहन के आ जाऊँ, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बस यही है। एंड आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं कि सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि सरवरी जी बहुत ही ग्लैमरस है जी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो कैसे देखिए आप? ऐसी अगर बातें हो रही है तो थैंक यू वेरी मच, आई थिंक मैं कुछ सही कर रही होंगी। और आई एम श्योर किसी भी एक्ट्रेस को आप ग्लैमरस बुलाओ तो उन्हें बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा। एंड इसके अलावा क्या कुछ धमाका करने वाली हैं अपकमिंग, कुछ अगर आप बता सकें नेक्स्ट? सर जब कुछ अनाउंसमेंट डाल दूंगी तब हो जाएगा धमाका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेहा जी ग्लैमरस नाइट है एंड नेहा जी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस लग रही है, सो कुछ कहना चाहेंगी? जब जब ग्लैमरस होती है आप तो ग्लैमरस तो है ही, तो तब तो क्या होता है, क्या फील करती हैं आप ग्लैमरस जब जब नाइट? यार आई तो मैंने हमेशा बोला आई लव फैशन, आई हैव ऑलवेज लव फैशन, तो मैं मुझे जब भी मौका मिले, मुझे आज फैशन आइकॉन का अवार्ड मिल रहा है, सो आई जस्ट फॉर मी एक बहाना होता है ड्रेस अप गेट आउट मीट पीपल हैव फन। ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, अगर आप बता सके कि? हाँ ये मेरी फ्रेंड है सुरभि, हर शी हैज़ अ ब्रांड कॉल्ड द सोर्स, तो ये उन्होंने बनाई है, दिस इज कस्टम मेड फॉर मी फॉर द इवनिंग एंड आई लव ड्रामा एंड फैशन, सो ड्रामेटिक आउटफिट इलेक्ट्रिक ब्लू ब्यूटीफुल हाई स्लिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम थोड़ा सा राइट में जी, मैम ये नीचे जी राइट में, देखिए आपके राइट में साइड में मैम जी, एक यहां पे उससे नीचे भी आप राइट में, मैं बहुत है मैम राइट में यहां पे मैम, अरे मैम ओके आराम से आराम से चाहिए एवरीवन कहीं नहीं चलना Hi. Hello. So. So cute, love. Glamorous शाम है and बहुत ही glamorous लग रही हैं। लग रहा है कि कितनी exciting glamorous night जब जब होती है। I think मेरा definition of glamour is always a sari. My definition of style is also always a sari. I think it's a beautiful garment and it's hamare you know for Indians it's like the most beautiful thing to wear and why not make this your style statement all the time. Beautiful
ब्यूटीफुल साड़ी अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें, बहुत ही ग्लैमरस साड़ी I think it's Indian weaves, Indian fabrics. These are the things that we stick by. Sustainable fashion, बहुत ही ज़रूरी है. तो support your Indian weavers, support our Indian fabrics. I think that's the key. With beautiful embroidery everywhere. Beautiful. Thank you. So much. Now, photo. Okay, हमारा photograph. थैंक यू. कुछ पूछना आपने? मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं. आप बस मुझे बोला बाइट्स करनी है तो फिर बाइट कराओ. बिल्कुल, मुझसे बात किए बिना आप कैसे जा सकती हैं? बहुत ही ग्लैमरस लग रही है आप तो. ग्लैमरस शाम है एंड ग्लैमरस लग रही है, तो आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड होती है जब जब ग्लैमरस शाम पर ग्लैमरस दिखती है आप? तो हमारे लिए तो मेहनत का काम है ना, हेयर मेकअप में बैठो वगैरह, तो ईजी नहीं होता. आई डेंट मेकअप लाइक दिस. शादी के बाद कैसी चल रही है आपकी लाइफ? शादी के बाद बस काम चल रहा है. अब जब थोड़ा वक्त निकालेंगे तो हम लंबी छुट्टी पे जाएंगे. ओके, तो क्या कुछ चल रहा है, धमाका करने वाली है क्या कुछ नेक्स्ट धमाका? मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी बस काम कर रहे हैं. ओके, ब्यूटीफुल ग्लैमरस आउटफिट है आपका एंड ये हाथों में भी बहुत ही डिफरेंट है. yes. कुछ बताना चाहेंगे क्या कुछ है ये, कितना ग्लैमरस होने के लिए कितना रेडी होती है? वेट कम रखा है. मैंने अमित अग्रवाल की साड़ी पहनी है, एक किस्म की नई साड़ी है और ये है शस्त्र फॉर यू. चलो थैंक्स गाइस. फोटो आप कर लेते हैं फ्रेंड टू मीडिया बाइक. ये बाय मैम. या तुम सेंटर हम लोग क्या मैम? या मैम राइट में, राइट में, राइट में. हम यू स्ट्रेट जी. यस, थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए. मालविका जी, ग्लैमरस नाइट है, बहुत ही ग्लैमरस लग रही है. थैंक यू. कुछ बताना चाहेंगे आप कितनी एक्साइटेड होती है जब तक ग्लैमरस शाम होती है एंड ग्लैमरस मालविका जी होती है? थैंक यू. मुझे एक्चुअली ग्लैम अप होने में बहुत मज़ा आता है. जब भी कोई ग्लैमरस इवेंट होता है मैं बहुत एक्साइटली तैयार होती हूँ और आती हूँ. आई होप आप सबको मेरा आज का लुक भी अच्छा लगा. तकरीबन कितना टाइम लगता है ग्लैमरस दिखने में, ग्लैमरस बनने में? स्पेशलाइज हेयर और मेकअप टीम के साथ तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, लेकिन आई थिंक 1 घंटा. ओके, धमाका करने वाले आज यहाँ पर मैं नॉमिनेटेड हूँ फॉर मोस्ट स्टाइलिश डेब्यूटेंट. होपफुली मिले. हाय. Hello, hi, how are you? Great. All well? Yes. बोलिए जी. ग्लैमरस शाम है, बहुत ही ग्लैमरस आउटफिट में भी है. हाँ, थैंक यू. ये अनामिका खन्ना मैम की है. मुझे बहुत पसंद है उनका स्टाइल और ये उनकी लेटेस्ट कलेक्शन से है, तो मुझे मौका मिला है. शी अप्रिशिएटेड माई वर्क एंड आई लव हर्स. सो बेस्ट वे आई गेस टू वेयर इट फॉर अ नाइट आउट विच इज़ ग्लैमरस एट मिड डे. डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी कलरफुल है, कुछ इसके बारे में बताना चाहिए? देखिए ये कलरफुल है, जैसे मेरी पर्सनैलिटी है. मैंने आज तक कभी ऐसे कलर्स पहने नहीं. आई ऑलवेज बीन वेरी सेफ एंड सटल, बट आई लाइक वॉट शी डज एंड शी वॉज शी सेड यू शुड एक्सपेरिमेंट, यू शुड बी ब्रेव. And Vishesh, her son, was very instrumental in making me dress this way. So that, I think, your upcoming film, Zoomer? जी हाँ, बिल्कुल. पालकी सर की है. होपफुली रिलीज डेट जल्द ही अनाउंस होगी. हमारी एक शॉर्ट फिल्म आई थी द लिस्ट, जो बहुत ही लोगों को उम्दा लगी थी, पसंद आई थी. एंड नाउ वी आर ऑल वेटिंग
with Bated Bread for the release date of Uber. Kya genre hoga? It's drama, and that's all I would like to say right now. And once the trailer comes, you'll know what genre it is. Thank you. Anda sir, Anda sir. Ek. Anda sir. जब जब मैं ग्लैमरस होता हूँ तब तब मैं घबराता हूँ बहुत, क्योंकि यहाँ मुझे ग्लैमरस होना आता नहीं है। बहुत लोग की मुशक्कत लगती है मेरे को कन्विंस करने में कि कुछ मैं ऐसा पहनूँ, बट होपफुली सही लगता है मेरे पे। सही लग रहा है। आज की शाम कुछ बताना चाहेंगे? तकरीबन रेडी होने में कितना टाइम लगता है? मेरे को 5 मिनट। आज भी? हाँ 5 मिनट लगते हैं, केवल बालों में लगते हैं 10, उसके ऊपर जो भी है वो 5। एंड सोशल मीडिया पर बहुत ही पॉपुलरिटी है आपकी, डे बाय डे बढ़ती भी जा रही है, तो बताना चाहेंगे क्या कुछ धमाका करने वाले आप नेक्स्ट स्टार की तरफ? बस यार अभी तो बहुत जल्द आएगा मेरा अगला शो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रहा है, ताज़ा खबर नाम है उसका, ड्रामा है, थ्रिलर है, और उसके बाद डिंडोरा सीजन 2, तो अभी सब कुछ है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ऑनेस्टली ये इतना स्वीट अवार्ड है, आइकॉनिक टाइमलेस ब्यूटी कहलाया गया है, लेकिन मैं पहली बार जब मैंने टाइटल जब सुना थोड़ा सा मैंने एम्बेरस्ड फील किया, बिकॉज आई नेवर पेड टू मच अटेंशन टू द वे आई लुक, एंड आई नो इट वुड बी हार्ड फॉर पीपल टू बिलीव, बट इट्स ऑलवेज a lot of work by a lot of people, but most importantly meri mom hamesha kehti thi that beauty is what beauty does, to aap zindagi mein utne hi khoobsurat lagenge jitna aapka kaam hota hai, and timeless beauty bhi hai aap, and sath hi koi bhi dhak dhak kar rahi hai aap, sare beauty ki dhak dhak badhane wali hai, kuch kehna chahenge aap? Main bahut excited hu ki aise maqam pe hu aaj, ab मैं एक माँ भी हूँ और मैं अच्छे फिल्मों में काम भी कर रही हूँ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ थक थक। बहुत ही आउटफिट, ब्यूटीफुल आउटफिट है, ग्लैमरस आउटफिट है, कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरे दो बहुत फेवरेट डिज़ाइनर्स का आउटफिट है, राहुल गांधी एंड रोहित खन्ना, एंड इट्स बीन स्टाइल्ड बाय थिया हु स्टाइल्स ऑन माय क्लोथ्स। बहुत सारे धक धक में बहुत धक धक में बहुत सारे ड्यूटीज के साथ में आप काम कर रही हैं, सरवरी जी ने बताया कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया जी, सॉरी तो कुछ कहना चाहेंगे आप? सॉरी बहुत सारे नाम, बहुत आई थिंक सबसे खूबसूरत बात धक धक की ये है कि बहुत खास औरत ये फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, वो है तापसी पन्नू, और बहुत खूबसूरत कहानी है औरतों की, लड़कियों की, एंड इसमें है रत्ना पाठक जी, फातिमा सना शेख, संजना सांगी एंड मी, एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम मेकिंग दिस मूवी, एंड आई कांट वेट फॉर पीपल टू वॉच।
यार ये जो स्कैन मारते हैं ना बहुत हंसी आती है बाद में देख के भी। नहीं मेरे को नहीं अच्छा नहीं लगता। ओके थैंक यू। बात किए भी ना जाएंगे आप। मैंने आते हुए किया नहीं था। मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ग्लैमरस आइकॉन कुछ क्या था कहना चाहेंगे आप? यही कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मिड डे ग्लिट्स एंड ग्लैम अवार्ड्स का कि मुझे उन्होंने याद किया। आई थिंक मेरी लाइफ में ग्लिट्स और ग्लैमर की बहुत सख्त ज़रूरत है और जब आपके काम को अक्नॉलेजमेंट मिलती है अच्छा लगता है और एक फीलिंग आती है ऑफ ग्रैटिट्यूड और इंस्पिरेशन कि और भी अच्छा काम किया जाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़ तो बहुत स्पेशल फिल्म है मेरी। नरगिस का कैरेक्टर प्ले करके तो मतलब आई थिंक पीपल हैव स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग मी मोस्टली बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड नाउ। इट्स ऑल्सो स्पेशल फॉर मेनी अदर रीजन्स। सो या आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक दिस इज द अप्रिसिएशन एंड द लव दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माई फैंस एंड आई थिंक दिस इज जस्ट फॉर देम। अपकमिंग है उसका जॉनर तो आप बता सकते हैं। आप मेरे पीछे पड़ गए। आपको पता चलेगा अनाउंसमेंट पे। जॉनर रोमांटिक होगा। आपको क्या चाहिए? आप तो मुझे रोमांटिक ब्यूटीफुल लगती है तो आई थिंक रोमांटिक होगा बट आई डोंट नो किरदार क्या है आई डोंट नो। अब आज ही अनाउंसमेंट करवा दोगे? नहीं नहीं मैंने कहा था कि फिल्म का नाम बताइए। जॉनर बता सकते हैं हर कोई। कॉमेडी। कॉमेडी ग्रेट। तो कॉमेडी करना जो है हमेशा माना जाता है कि मुश्किल होता है। मुश्किल से कॉमेडी निकलती है। कुछ भी आसान नहीं है। रोना भी आसान नहीं है कैमरा के सामने। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच। गुड लक।